दोस्तों मेरे पास है ओप्पो रेनो 8T। अभी तक देख सकते हो बैक साइड जो डिजाइन है काफी कमाल का है, आपका रेनबो डिजाइन, आपका रेनबो कलर रहेगा। डिस्प्ले जो है इसका 6.7 इंच स्क्रीन है, वो आपको कंप्लीट आपको एज टू एज स्क्रीन है। बट इसका जो डिस्प्ले का साइज है दोस्तों, एज टू एज होने से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपको कई दर भी कॉर्नर में टच होगी तो डिस्प्ले क्रैक होने का भी चांसेस रहता है। और इसमें इधर देख सकते हो कि आपको एक टेम्पर ग्लास लगा है तो आपको इधर एज कॉर्नर में आपके ठीक से नहीं बैठेगा टेम्पर ग्लास स्क्रीन, तो बाद में एक दिन में आप दो दिन में नहीं तो बैक साइड आपको उठ के आ जाएगा, क्योंकि उसका जो कॉर्नर डिजाइन जो है आपको उसका एज डिजाइन जो रहता है उसका टेम्पर ग्लास ठीक से नहीं आता है दोस्तों। और इसका जो और एक प्रॉब्लम है कि इसका बैक साइड जो कवर जो आपको यूज करते हो तब आपको टेम्पर ग्लास वापस लेने का चांसेस रहता है, मतलब ठीक से बैठता नहीं है क्योंकि उसका गम जो है आपको बहुत लूज होता है, इसीलिए की वजह से आपको कवर डालने के बाद और मुश्किल हो जाता है कि एज टू एज डिस्प्ले यूज करने के लिए। और इसका जो ब्राइटनेस है प्री ब्राइटनेस आप यूज कर सकते हो 900 उतना ही, क्योंकि आपको सनलाइट में गए तो आपको ब्राइटनेस बहुत कम लगेगी क्योंकि उसमें 900 ब्राइटनेस यूज किया गया है। आपकी कंप्लेन ज्यादा मिनिमम को 3300-3400 ब्राइटनेस मिनिमम रहती थी, बट इसका 900 जो यूज किया गया बट उसमें काफी ज्यादा कम हो, क्योंकि इसमें डिस्प्ले जो ब्राइटनेस है सनलाइट में आप यूज करने के लिए उतना प्रॉपर नहीं होता है दोस्तों। और इसका जो 120Hz रिफ्रेश रेट जो है काफी ठीक है, आप इधर देख सकते हो कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कि उसको 120Hz उतना ज्यादा वाव नहीं है, कि 120Hz रिफ्रेश रेट आपका काफी ज्यादा ठीक है, आपको यूज कर सकते हो आप गेमिंग खेलने के टाइम, आपको तब पता चलेगा कि कितना ज्यादा वाव है, कितना ज्यादा बेटर है। और दोस्तों इसका 108 मेगापिक्सल कैमरा है बैक साइड। आपको इसमें क्या होता है कि आपको 108 मेगापिक्सल का मतलब ही नहीं पता होता, कुछ लोगों को 108 मेगापिक्सल का मतलब जो आपको मेगापिक्सल ज़्यादा आएंगे उसका फोटो क्लैरिटी अच्छी आएगी, जैसे कि आपको कैमरा में मिलता है उसमें कैमरा का मतलब है ही नहीं दोस्तों। इधर का जो है मिलियन पिक्सल्स होते हैं, आपको वो मिलियन पिक्सल जोड़ के वो 108 मिलियन पिक्सल लगा होकर रखता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं 108 एमपी कैमरा रख देते हैं। एमपी का मतलब है मिलियन पिक्सल, नॉट मेगापिक्सल्स। आप डिफरेंस इजीली समझ जाते हो, आगे किसी के आपके प्रीमियम फोन्स रहते हैं उसमें 12 मेगापिक्सल रहता है, आपको कम प्राइस का फोन रहता है उसमें 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल रहते हैं, बट आप डिफरेंस देख सकते हो कि उसमें जो कैमरा जो क्लैरिटी जो है आपको 12 मेगापिक्सल बेटर है, आपको 64 मेगापिक्सल बेटर, नहीं तो 108 मेगापिक्सल बेटर है। सो आप उधर ही डिफरेंस कर सकते हो कि उसमें कौन से फोन कितने बेटर से, कितना कैमरा से बेटर से, उधर ही आपको कंपेरिजन कर सकते हो। और इसका जो मेन कैमरा जो है आपको 108 मेगापिक्सल होने के बाद आपको 2 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा डेप्थ कैमरा में, और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस कैमरा मिल जाएंगे। बट ये काफ़ी है कि 2 मेगापिक्सल, आप इधर देख सकते हो कि इसको 29,000-30,000 आसपास के फ़ोन में आपको 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा देना चाहिए। यही कर देते थे कुछ ब्रांड्स, आपको कुछ सभी कस्टमर्स को नहीं मालूम होता है, इसको कुछ भी लगा के भेज देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।